राजस्थान का सियासी घमासान अब अपने पूरे उफान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले तीन दिनों से चल रहे शह और मात के खेल में पायलट का चैप्टर कांग्रेस से क्लोज हो गया है। गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग में दोनों ही धड़े झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आलाकमान ने गहलोत के कंधे पर हाथ रखा तो पायलट की उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई। इस पर पायलट ने तीन दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इतना ही नहीं, बर्खास्त करने के बाद पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम हटा दिया है और साथ ही ट्विटर बायो से कांग्रेस का जिक्र हटा दिया। सचिन पायलट के ट्विटर बायो में लिखा है, टोंक से विधायक, आईटी, दूरसंचार और कॉरपोरेट मामलों के पूर्व मंत्री, भारत सरकार, कमीशन अधिकारी, प्रादेशिक सेना। वहीं पायलट के ट्वीट पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने निशाना साधते हुए कहा कि सत्य वचन सचिन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए, ना आगे कर पाएंगे, सत्यमेव जयते। वहीं पायलट को पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त करने के ऐलान के साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके कुछ देर बाद पीसीसी के ऑफिस से सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट लगाने की तस्वीर भी सामने आ गई। खैर, पायलट का चैप्टर कांग्रेस से क्लोज हो गया हो, लेकिन अब और भी बड़े घमासान के साथ राजस्थान की सियासत में कई और अध्याय लिखे जाने बाकी है। ऐसे में अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि जय और पराजय की जंग में जीत किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।